नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह खंड शिक्षा अधिकारी का 48वां टेस्ट सीरीज है। यह जो भी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रवि रामबाण है हर परीक्षा की दृष्टि से, कोई भी परीक्षा हो हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप लोग को मिल रही है। कुल 2600 सागरभित प्रश्नों की श्रृंखला है जो सीरीज के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करें, लगातार परीक्षा होने तक 22 मार्च तक लगातार इसको फॉलो करिए। और यह जो भी मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी परीक्षा के लिए, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह फर्स्ट का, मोहम्मद आदिल शाह का, ताज सनेटावा का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बीजापुर का जो गोल गुंबज है वह किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, विकल्प बी जो होगा सही है। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, बीजापुर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? कृष्णदेव राय का, हरिहर एवं बुक्का का, बालाजी विश्वनाथ का, या राजा चोल का? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर और एवं बुक्का का आभारी है, मतलब हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विकल्प बी जो है सही है, हरियर एवं बुक्का। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में, या सिकरी में? तो देखिए, चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में है, चार मीनार जो है हैदराबाद में है, विकल्प ए जो है सही है, चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर में, बिल्लारी में, गुलबर्गा में, या रायचूर में? तो जो देखिए दोस्तों, यह जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी है यह बिल्लारी में स्थित है, बिल्लारी में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा सही है, बिल्लारी में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया था, मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? बुक्का के पुत्र कंपन को, बुक्का फर्स्ट की पुत्रवधु गंगा देवी को, बुक्का फर्स्ट के द्वितीय पुत्र हरियर द्वितीय को, या बुक्का फर्स्ट को? तो देखिए, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ, मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? तो बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है, जिसे कंपन राय भी कहते हैं। विकल्प ए जो है सही है, बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का जो पहला शासक था वह देवराय फर्स्ट था, देवराय फर्स्ट, मतलब विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? यहाँ यमनी लिखा है, बहमनी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तान के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कुल तीन क्षेत्र थे जो विजयनगर और बहमनी के सुल्तान के मध्य विवाद का विषय थे। एक है कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, दूसरा गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, तीसरा मराठावाड़ का कोकड़ आदि क्षेत्र। तो यही जो तीनों क्षेत्र थे वह विजयनगर और बहमनी के सुल्तान के मध्य विवाद का क्षेत्र थे, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और मराठावाड़ का कोकण क्षेत्र। यह बहमनी और विजयनगर के मध्य विवाद के विषय थे, जबकि वारंगल का जो क्षेत्र था वह विवाद का विषय नहीं था। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? होयसल, संगमा, सालू, या तुलू? तो विजयनगर राज्य का जो पहला राजवंश था वह संगम राजवंश था, संगम राजवंश, विकल्प बी जो है सही है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, विजयनगर के शासक की उपाधि गजबेटकर थी। गजबेटकर मतलब होता है हाथी रखने वाला, मतलब हाथियों का स्वामी ऐसा मान सकते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, या इनमें से कोई नहीं? तो गजबेटकर जो उपाधि थी वह देवराय द्वितीय की उपाधि थी, देवराय द्वितीय की, मतलब विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह कौन सा शासक था? वह शासक था देवराजुती, देवराजुती के सारे कार्य थे, विकल्प बी जो है सही है, देवराजुती। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया? तो देखिए, उसने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित किया था और उसके बाद वह
यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करता है। वह कौन सा शासक है? तो वह शासक है देवरादुति ही था कि बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करता है। बीदर का शासक बनाता है महमूद शाह को, उसके बाद वह यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर लेता है देवरादुति। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? देखिए, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? वह कौन था? कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय। तो देखिए, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? वह शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था कृष्णदेवराय ने। विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ था? विजयनगर और पुर्तगालियों के मध्य मैत्री संबंध स्थापित हुआ था कृष्णदेवराय के समय में, इसका क्या परिणाम हुआ? ए है, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला, बिल्कुल, मतलब पुर्तगाली उन्हें घोड़े की पूर्ति करने लगे, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएँ मिली, यह भी सही है। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए, यह भी सही है। तो मतलब उपयुक्त सभी होगा, ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी, मतलब विकल्प डी जो है सही है। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह से, मतलब विकल्प ए जो है सही है, कुली कुतुब शाह से विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने युद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के उस शासक की पहचान करिए जो बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरियर फर्स्ट, हरियर सेकंड, बुक्का फर्स्ट या देवराय द्वितीय। तो विजयनगर की उस शासक की पहचान करें जो बहमनियों से गोवा को छीनता है, वह शासक था हरियर द्वितीय। हरियर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था और विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर दिया था, वह शासक था हरियर द्वितीय, मतलब विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वह थी भू राजस्व, उसकी मुख्य विशेषता थी। विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न नंबर 42 देखिएगा, अठवण का क्या मतलब है? चारों विकल्प आप लोग के सामने हैं। अठवण का मतलब होता है भू राजस्व होता है, मतलब विकल्प बी जो है सही है, भू राजस्व। प्रश्न नंबर 43 देखिएगा, वह युग्म जो सुमिलित नहीं है को इंगित करिए। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है यह बताना है। तो देखिए, बाज बहादुर जो था मालवा का शासक था, यह सुमिलित है। कुतुब शाह जो था गोलकुंडा का शासक था, यह भी सुमिलित है। सुल्तान मुजफ्फर शाह जो था गुजरात का शासक था, यह भी सुमिलित है। यूसुफ आदिल शाह जो था अहमदनगर का शासक नहीं था बल्कि यह बीजापुर का शासक था। तो यही विकल्प डी जो है वही सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमिलित हैं। यूसुफ आदिल शाह जो था बीजापुर का शासक था। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, कृष्णदेवराय की राज दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आठ मंत्री, आठ तेलुगु कवि, आठ महासेनापति या आठ परामर्शदाता। तो कृष्णदेवराय के राज दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे, या जो अष्ट दिग्गज होते थे वह आठ तेलुगु कवि थे। तो विकल्प बी जो है सही है, आठ तेलुगु कवि। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। देखिए, आदिल शाही जो राजवंश था वह बीजापुर में राज करता था। जो कुतुब शाही राजवंश था वह गोलकुंडा में राज करता था। जो निजाम शाही राजवंश था वह अहमदनगर में राज करता था। और जो इमाद शाही राजवंश था वह बरार में राज करता था। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो पूरब का सिराज या सिराज हिंद किसे कहा जाता था? आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को या वाराणसी को? तो पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता था। विकल्प सी जो है सही है, जौनपुर को। प्रश्न नंबर 47 देखिएगा, कल्हड़ की राह तरंगड़ी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? कल्हड़ ने राह तरंगड़ी लिखा था लेकिन उसको फिर आगे किसने बढ़ाया, मतलब और उसने कुछ और बढ़ाया गया, उसको और लिखा गया, तो उसको आगे किसने बढ़ाया था? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। उसको आगे बढ़ाया था जून राज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था, जून राज और श्रीवर, मतलब विकल्प डी जो है सही है।
प्रश्न नंबर 47 देखिए, वही दोहराया गया है। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो वह कौन सी कवित्री थी जिसने मदुरा विजय लिखा था और वीर कंपराय चरित लिखा था और अपने पति के प्रशंसा में लिखा था, वह कौन सी कवित्री थी? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। वह कवित्री थी गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति की प्रशंसा में यह मदुरा विजय और वीर कंपराय चरित नामक दो ग्रंथ लिखे थे गंगा देवी ने। तो विकल्प बी जो है सही है, गंगा देवी। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा, बहमनी राज की स्थापना की थी, बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। बहमनी राज की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मतलब हसन गंगू ने। तो विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल में, गुप्त राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में या विजयनगर राज्यकाल में? तो भाष्यकार जो शायर थे वह विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। विकल्प डी जो है सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसे जुड़ जाएंगे तो ऐसा इसके PDF आप लोग को मिल जाएंगे। और 22 मार्च तक लगातार हमारी सभी सीरीज़ को फॉलो करिए, इसको शेयर करिए दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर अच्छा लगे हो तो इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।